न्यूज़ पीके के सभी दर्शकों का मैं नवीन विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कोरोना के खराब दौर में शासन प्रशासन हम सभी को बचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी अपील है कि नियमों का पालन करें और कोरोना से इस जंग में प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त है इस खास खबर का। कोरोना संक्रमण के कारण काफी समय से स्कूल बंद चल रहे हैं, ऐसे में बच्चे घरों में काफी बोर हो रहे हैं। उनके लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालय राजापुर के प्रधान अध्यापक मोहनलाल सुमन द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें कई राज्यों के बच्चे उसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मूल रूप से गरोठा निवासी 3 बार राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित मोहनलाल सुमन द्वारा देश भर के बच्चों के लिए डांस की ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने नृत्य के जरिए धूम मचाई। प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री राधिका प्रजापति, कोरियोग्राफर शगुप्ता खान व कोरियोग्राफर अबरार मंसूरी शामिल रहे। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। बता दें, प्रतियोगिता में झारखंड से हितेश मेहता, संगीता घोष, सुमन कुशवाहा, डॉक्टर रेखा गुप्ता, रंजना श्रीवास्तव, आशा सिंह आदि जुड़े रहे। मोहनलाल सुमन ने बताया कि आगे मॉडलिंग, सिंगिंग, निबंध लेखन, एक्टिंग, सामान्य ज्ञान, क्राफ्ट, कुकिंग, काव्य गोष्ठी, लाफ्टर चैलेंज, योगा आदि प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन होगा। गरोठा से हेमंत यादव की रिपोर्ट।